सो आईफोन 13 प्रो, सो बेसिकली जो स्मार्टफोन 2021 में लॉन्च होता है, अगर हम बात करें 2023 में, क्या ये स्मार्टफोन 13 प्रो लेना वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको कोई और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसके स्मार्टफोन की बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। ये जो 13 प्रो मैंने बाय किया है वो सिर्फ बाय किया 65,000 का, जो कि हमें 99% बैटरी का साथ हमें देखने को मिलता है। और ये जो स्मार्टफोन है 13 प्रो वो एक इंटरनेशनल वेरियंट हमें देखने को मिलता है US की तरफ से, जो कि अगर आपको पता है कि US के वेरियंट जो है बहुत ही कम प्राइस में हमें देखने को मिल जाते हैं। बट अगर बात करें राइट नाउ दिसंबर के मध्य में इस स्मार्टफोन की प्राइस 65,000 तक देखने को मिल जाती। तो क्या ये स्मार्टफोन 65,000 में लेना वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको आईफोन 14 लेना चाहिए ब्रांड न्यू, या फिर आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स, या फिर आपको आईफोन 13 प्रो की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपका बजट है 65,000 का और आप प्लान कर रहे हो एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेने का, तो डेफिनेटली वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक नहीं चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जो करना। सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आप एक स्मार्टफोन को 65,000 रुपीज में बाय करते हो। डिस्प्ले क्वालिटी वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो अगर आप एक प्लान कर रहे हो डेली यूज वाइज, यानी कि स्मार्टफोन डेली एज वगैरह यूज करना चाहते हो, कॉलिंग के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए, एंटरटेनमेंट वाइज अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए, तो क्या ये 13 प्रो आपके अच्छा साबित हो सकता है। सो डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलती है 6.1 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलता है, HDR10 का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी हमें देखने को मिल जाती है, और ट्रू टोन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहां पर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बेसिकली डिस्प्ले वाइज भी बहुत ही ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये स्मार्टफोन एक एप्पल की तरफ से एक मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिलता है। लॉन्च प्राइस की अगर हम बात करें, ये स्मार्टफोन आया था 1,29,000 का हमें ये जो स्मार्टफोन देखने को मिलता था। अगर हम बात करें 2023 में ये स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट साइड में एक नॉच देखने को मिलती है, जिसका साइज आपको काफी कम देखने को मिलता है 12 प्रो मैक्स से। साइड में आपको स्टेनलेस स्टील मॉडल देखने को मिलता है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जो कि आपको इन हैंड फील्ड वाइज अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो क्या ये स्मार्टफोन आपको डेली यूज वाइज कंसीडर करना चाहिए? सो बेसिकली यस, आप इस स्मार्टफोन को डेली यूज वाइज बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। इस स्मार्टफोन का जो साइज भी है वो बहुत ही कंफर्टेबल देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 6.1 इंचेस का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बिगर भी देखने को नहीं मिलता और बहुत ज्यादा स्मॉल भी हमें नहीं देखने को मिलता है। सो बेसिकली डिस्प्ले भी स्मार्टफोन की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है, और 120 हर्ट्ज के साथ इसमें आपको बहुत ही एक्स्ट्रा स्मूथनेस लेवल देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली डेली यूज वाइज आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है गेमिंग के लिए, क्या ये स्मार्टफोन 2023 में जो गेम्स लॉन्च होगी क्या ये स्मार्टफोन हैंडल कर सकता है? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है लेटेस्ट चिपसेट A15, जो कि हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है। रैम विड्थ की अगर हम बात करें तो 6GB रैम तक का हमें वेट हमें देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली गेमिंग के लिए अगर आप एक स्मार्टफोन प्लान करें तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन यूज कर सकते हो, यानी कि आप 2024 में या फिर 2025 में भी जो गेम्स आएगी इस स्मार्टफोन में डेफिनेटली आप रन कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है कैमरा क्वालिटी वाइज, क्या 2023 में इस स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है या फिर आपको कोई और स्मार्टफोन लेना चाहिए? सो बेसिकली कैमरा क्वालिटी वाइज अगर हम कंपेयर करें तो 14 प्रो से तो आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, बट यहाँ पर भी आपको फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 12 मेगापिक्सल का टेलीपोटो लेंस, जिसमें हमें 3x तक का ऑप्टिकल जूम लेंस देखने को मिलता है। 4K एट 60fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, OIS का सपोर्ट, और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसमें हमें 4K एट 60fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, और इन सभी कैमरे में आपको HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट और स्मार्ट HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो कैमरा क्वालिटी वाइज और कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली 2023 में अगर आप एक कैमरा क्वालिटी वाइज कंपेयर करना चाहते हो या फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर एंटरटेन या फिर अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी ही इवन करना चाहते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली 2023 में ये स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको सिनेमैटिक मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमें देखने को मिल जाती है इस 13 प्रो में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बैटरी क्वालिटी वाइज, क्या 2023 में इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ आपको अच्छी देखने को मिल सकती है? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो बैटरी लाइफ है वो आपको फुल डे प्लस एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 3000mAh की लाल बैटरी लाइफ, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 15W से लेकर 20W तक हमें चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सो कैपेसिटी तो हमें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की काफ़ी कम देखने को मिलती है, बट बैटरी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मैं पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊँ तो 99% मेरे स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है, और इस ये स्मार्टफोन फुल डे प्लस से भी एक्स्ट्रा हमें जो बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। सो बैटरी क्वालिटी वाइज आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को चूज कर सकते हो।
सो इसका ओवरऑल ओपिनियन जो कि मुझे 30 प्रो का देखने को मिलता है, क्या ये 65,000 में लेना वैल्यू फॉर मनी है? तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को 65,000 में एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर आप एक 14 लेना चाहते हो या फिर 14 प्लस का अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग आपको 30 प्रो की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो इसकी जो प्रीमियमनेस है वो आईफोन 14 से भी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, सेम परफॉर्मेंस हमें आईफोन 14 में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको A15 चिपसेट ही देखने को मिलती है। सेम चिपसेट हमें iPhone 30 Pro में भी देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली कैमरा क्वालिटी वाइज, जीलियो से वाइज, परफॉर्मेंस वाइज या फिर बैटरी क्वालिटी वाइज, आप डेफिनेटली 65,000 में इससे अच्छा आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये स्मार्टफोन एक 5G भी देखने को मिल जाता है। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन लेना है या फिर आपको ब्रांड न्यू स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो यदि हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सकते। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।